डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ चैप्टर नाइन एक्सरसाइज 55 है और इसमें सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट है, तो बनाना काफ़ी आसान है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली जैसे सब्ट्रैक्ट को घटाते हैं वैसे ही घटाना है, सिर्फ पॉइंट दे देना है बीच में। यहाँ पे ये घटने वाला नहीं है तो यहाँ से कैरी लेते हैं। यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 9 चला गया तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 5, और ये 1 जो है 1 तो 0 हो गया, मतलब इतना ही इसका आंसर होगा 5.4। और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे इससे पहचान लेते हैं, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 8 तो 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 4 तो 1, फिर पॉइंट दे दिया यहाँ पे, और 5 में से 3 तो 2 हो गया, और 2 में से 1 तो 1 कंप्लीट हो गया। और इस तरह से यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, और 3 में से 2 तो 1 पॉइंट दे दिया यहाँ पे 7, यहाँ 17 हो गया, 17 में से 9 चला गया तो 8 बचेगा, 8 16 और 1 19 तो 8 बचेगा, 8 9 17 होता है। अब यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ से ये कैरी चला था तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 9 में से 8 तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इतना ही रहेगा इसका आंसर। और यहाँ पे 8 में से 6 तो 2 हो गया यहाँ पे, और 1 में से 0 तो 1 हो गया, और 7 तो यहाँ से कैरी लेते हैं तो यहाँ 17 हो गया, 17 में से 9 तो यहाँ 8 हो गया, और यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ से लिया तो 14 हो गया, 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14 होता है तो 8 हो जाएगा यहाँ पे 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे भी वही सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है, सिर्फ इसको इस तरह से लिख के बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखना है, फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम मतलब है कि इससे घटाना, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। तो हम लोग इसको बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे पेपर पर बतलाया गया है, इसको बनाने से पहले हम लोगों को कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू हायर यूनिट्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम लोग को हायर यूनिट पे कन्वर्ट कर लेना है, तो मतलब हायर यूनिट जो है ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पे हम लोग लिख रहे हैं इसको 20.0 हो जाएगा, और 16.7 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ से कैरी चला था यहाँ से यहाँ तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, और 9 में से 6 गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इतना सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। 6 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ये पार्ट जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हायर यूनिट जो है मीटर है, तो मीटर में हम लोग ले लिए हैं, और ये नीचे आ जाएगा, और ये सेकेंड यूनिट जो है फ्रॉम जो लिखा रहता है उसके बाद वाला ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस जाने वाला नहीं है तो यहाँ से कैरी लिए तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 5 हो गया तो 5 में से 4 तो 1, यहाँ पॉइंट दे दिए, और यहाँ पे कैरी लेंगे यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 8 तो 2 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ भी 4, तो मतलब इतना ही मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया, 7 नंबर ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ये पार्ट जो है नीचे और ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से लिखना है, 89 है तो इसको इधर से हम लोग बराबर करेंगे, यहाँ 0 देके उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, 16 हो जाएगा यहाँ पे, 9 बड़ा है, 16 हो गया तो यहाँ पे 9 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7, और यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ हो गया 10, पूरा 10 हो जाएगा, ये यहाँ पर पूरा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, तो इतना किलोमीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। कंप्लीट हो गया 7 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 55 का क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के पास, और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, गौरव ट्रेवल्ड इतने किलोमीटर बाय बस, गौरव बस से इतने किलोमीटर यात्रा करता है, और एंड इतने किलोमीटर बाय ट्रेन, और ट्रेन से इतने किलोमीटर ट्रेवल करता है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल मोर बाय ट्रेन देन बस, तो फिर वो बस के मुकाबले ट्रेन से कितना ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को ट्रेन का जो डिस्टेंस है उससे बस का डिस्टेंस को माइनस कर देने से हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ है, गौरव ट्रेवल बाय बस, तो गौरव बस से ट्रेवल करता है कितने किलोमीटर, इतना किलोमीटर। गौरव ट्रेवल बाय ट्रेन, और ट्रेन से वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, इतना किलोमीटर। ट्रेवल मोर देन बस, तो फिर वो ट्रेन से बस के मुकाबले कितना ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर हम लोग किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करके और इसको
ट्रेन वाला जो डिस्टेंस है उसको पहले हम रखेंगे क्योंकि वो बड़ा है, और बस वाला डिस्टेंस जो है उसको नीचे रखेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ 6 हो गया और 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। यहाँ से हम कैरी लेंगे, 16 में से 9 चला गया तो यहाँ 7 बच जाएगा, और यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 5 तो 4 हो गया, और यहाँ पे 8 में से 8 तो 0, यहाँ पॉइंट हो गया, और यहाँ पे 8 में से 2 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो इतना किलोमीटर ट्रेन से ज़्यादा ट्रेवल करता है, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।